हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो नीलम आई थी एक रात के लिए, एक तो अमृतसर गए थे, घर पे आए थे बच्चे दोनों, उसकी नंद आई थी, तो आप भी मिलो उनसे। ये नंदोइया है उनके, तो ये सनी जी है। एक रात के लिए आए थे क्योंकि अमृतसर घूमने के लिए गए थे। तो आज जो मैंने देखा वीडियो में, बहुत बुरा लगा मुझे देख के। आजकल ये लोग ये नहीं देखते कि वो माँ बेटा है या कोई और है ना। माँ बेटे के रिश्ते को गलत बना रहे हैं। जैसे कंचन अपने बच्चे से प्यार करती है, वो अपनी माँ से प्यार करता है, वो गलत हो जाता है। हैं, कितना गंदा गंदा लोग बोल रहे हैं। देखो लड्डू लड्डू सोया हुआ था, सोते कोई लेके जा रहे हैं, सुबह उठे थे ना। जो सवेरे मॉर्निंग टाइम अपने बच्चों को तैयार करती है, नहलाती है, और फिर क्या होता है जब ये अगर गोदी उठा ले, जब वो उसके अपनी माँ को गोदी उठा ले। माँ बेटा ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप नहीं करते लोग, और उसको गलत बता रहे हैं। लड्डू देख, चीकू आप ब्लॉगिंग करते हो? हाँ, बदने पाया है, बदने मिलेंगे। चलो ठीक है दीदी, ठीक है। ला मेरा कैमरा। उस दिन भी बस नानी पीछे रह गई, नानी पीछे रह गई। हाँ लड्डू, मैं कहाँ बैठूं? मैं कहाँ बैठूं? इधर बैठ जा। इधर चीकू बैठ गया। चलो जी, मॉर्निंग टाइम हो गया। मैं धो रही थी कपड़े, सुबह मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए, कपड़े धो रही थी। घर का काम भी करना था कल। इतनी अचानक से हमारे एक इतने करीब थे जिनके फादर की डेथ हो गई, अभी वो इतने बुढ़े भी नहीं थे, उनको अटैक पड़ गया था कल। मूड इतना ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। दिवाली वाले दिन किसी के डेथ हो जाना है ना, वो नहाने के लिए सुबह मॉर्निंग टाइम 6 बजे अपने उसमें गए थे बाथरूम में, और बाथरूम में ही रह गए। वो लड़का तो अभी रात को हमारे दिवाली दे के गया। जब सुबह हमें ये खबर मिली, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। फिर मैं और नन्नू हम गए दोनों संस्कार पे, हम संस्कार करा के आए। तो इतना मेरा मूड ख़राब था ना, बस पूछो मत। जब त्योहार वाले दिन किसी के घर मौत हो जाना, तो कितना बुरा होता है। हर साल कितना बड़ा त्यौहार होता है दिवाली का, है ना। दिवाली के त्यौहार पर मौत हो जाना बहुत बुरा लगा। तो लोगों, अब मैं हर ये बोलती हूँ कि माँ बेटा, मैं भी नन्नू और मैं भी रहते हैं ऐसे, तो कंचन और कंचन का बेटा रहते हैं। अगर आप लोग ऐसे ऐसे बदनाम करोगे तो आगे जाके क्या बनेगा? माँ बेटे को रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं आप। उसको सतेला बेटा नहीं है, वो खुद का बेटा है। प्रियांश प्रियांश को अगर गोदी उठा लिया, अगर प्रियांश ने अपनी माँ को उठा लिया, तो ये बात नहीं कि उसके ऊपर गलत वीडियो बनाई जाए, गलत इल्ज़ाम लगाए जाएं। मैं तो अभी आई थी, जब मेरे को ये बात का पता चला तो फिर मैंने वीडियो में बोलना शुरू किया। अभी वो रो रही थी, मैं क्या बात होगी। रोते रोते उसने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात था, मेरी और प्रियांश की वीडियो के ऊपर लोग ऐसे ऐसे खीरा रख के वीडियो बना रहे हैं, कितनी गंदी बात है। थोड़ा बहुत तो सोचो, ये हेटर ही होएंगे, और नहीं होएगा कोई भी। आपके भी घर बच्चे हैं, माँ है ना, आप सोचो थोड़ा सा भी। ये ऐसी ऐसी बात आपको अच्छी लगती है? कंचन को तो चलो बोलते थे लोग, बोलते थे है ना, उसके बेटे को भी बोलना शुरू कर दिया गंदा गंदा। वो 24 घंटे मेरे पास रहता है, अपनी माँ के पास भी कम जाता है, मेरे से प्यार करता है, मेरे पास रहता है। उसको मैंने गलत शिक्षा नहीं कोई दी हुई, अच्छी शिक्षा दी है। तो पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। आज मैंने चादरें वगैरह भी उतार ली थी धोने के लिए, जो नई चादर ले आए थे ना,
वो भी मैंने उतार के मैं क्या चल नई चादर रख दूँगी, वो भी मैं धोने लगी थी। पहले मेरा मूड नहीं था आज कपड़े धोने का, आज भैया तू इस तरह मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब है। आपको पता ही है जिसके घर भाई नहीं होता, जिनके भाई नहीं होते उनका तो मूड ख़राब ही होएगा है ना। कहीं आज मैं भी जाती भैया दूज पे तो कितना अच्छा लगता, जब मेरे भाई थे तो मैं जाती थी हर साल जाती थी भैया दूज पे। अब जब दोनों भाई नहीं हैं, दोनों ही भाई चले गए, अकेली रह गई मैं, तो मेरा आज मूड सुबह से ख़राब था, मैं लेटी हुई थी। तो नन्नू कहने लगा चल अपा मामा जी के घर चलते हैं, उनका बेटा है जो हमारे वो करके गया था ना पेंट वगैरह, तो उनके घर चलते हैं। वो शाम को मेरे को ले जाने के लिए तैयार हो गया कि मम्मी का मूड ख़राब है, मम्मी का मूड सही नहीं है, तो हम उधर जाके थोड़ा सा मूड सही हो जाएगा मम्मी का, भी उधर चल देते हैं। और नन्नू का थोड़ा सा मोटरसाइकिल भी सही नहीं था, वो भी ठीक करवाना था, वो कह रहे थे कि हम इधर से करवा देंगे, चैन कवर पूरा ही इसका ख़राब हो गया था, कहता है हम उधर से करवा देंगे। तो हम जाएंगे फिर दिखाएंगे, उधर भी वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तो मैं तो काफ़ी देर बाद जा रही हूँ, शादी में गई थी उसके बाद एक दफ़ा गई थी, तो मैं गई नहीं कभी, तो मैंने सोचा चल मैं आज जाके आऊँगी। हम जाएंगे तो जो बच्चे हमारे घर आए थे उनके घर, तो मैं अपने बच्चों को कभी भी गलत शिक्षा नहीं देती। हमारा प्रियांश इतना सियाना है, मोबाइल ज़रूर देखता है पर सियाना बहुत है। वो छुट्टी वाले दिन भी मेरे घर ही रहता है, आप देखते ही होंगे मेरे घर ही उस वो पड़ा रहता है, मोबाइल देखता है, इधर ही खाना पीना खाता है। आप कभी भी प्रियांश को गलत मत बोलना, ठीक है? फिर क्या हो गया, प्रियांश ने अपनी मम्मी को उठा लिया गोद में, तो बेटा उठा सकता है माँ को, ठीक है? ये गलत तो आप कभी मत सोचना। अगर बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे आप, कितना गलत होता है, कितना बुरा लगता है। लो जी मैंने बिछा दी चादरें, वही पुरानी चादर फिर से बिछा दी, नई चादर उठा दी थी, मैं क्या कोई आ जाता तो फिर बिछा देंगे, अब दूसरी चादरें जो हैं वही बिछा देते हैं। तो प्रियांश और मैंने घर पूरी घर की सफाई करी, बेड बुड साफ करा, चादरें बिछाई और सिराने, प्रियांश ने गद्दियाँ चढ़ा दी, मैंने सिराने चढ़ा दिए। इतने में हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि कल से इसकी छुट्टी स्कूल जाएगा, आज से छुट्टियां लास्ट हैं इसकी, कल स्कूल जाएगा तैयार होएगा। अगर माँ ही तैयार ना करेगी तो और कौन तैयार करेगा बच्चे को, है ना? तो जो वीडियो थी ना, क्या नाम है वो बच्चों वाला व्रत आता है, जो हमारे तो चक्री का व्रत बोलते हैं, कोई माता का, उस व्रत पे उसने अपनी माँ को उठाया था, माँ बेटा आपस में प्यार कर रहे थे, प्यार करना माँ बेटा गुनाह नहीं है कोई। तो लो जी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, जैसे मेरी वीडियो पे कल सबने प्यार दिया है वैसे आज भी ऐसे प्यार देना। तो जो मेरे 12,000 सब्सक्राइब हो जाए जल्दी से जल्दी, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करना, 12,000 होने वाले हैं, बस एक दो दिन में आप करा दो जल्दी से जल्दी 12,000 सब्सक्राइब। लो जी ओके बाय।